अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एस के किचनरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान की आमद है, तो इस बाबरकत महीने की बरकत से अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी इबादात और रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में सब मज़े मज़े की और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाते हैं, तो इसी हवाले से आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल की सौगात। यमी यमी से बूझिए हर घर के दस्तखान की रौनक, मजेदार से पकोड़े जिसके बगैर अफ्तारी में मजा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन, जिसे मैंने छान लिया है। छान के मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले जा रहा है 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून साबित जीरा है, कुटा हुआ धनिया और जीरा है 2 टीस्पून, अजवाइन इसमें जा रही है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर हमने लिया है 3 टेबल स्पून, जो हमारे पकोड़े हैं उनको करारा और कुरकुरे बनाएगा, और ये मैंने इस 1 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो लिया है, नमक 2 टीस्पून है, ये कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, और पानी इसमें जा रहा है 1 कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने बेसन छान लिया है, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पहले आलू के और मिर्चों के और पालक के जो पकौड़े बनाने हैं उसके लिए हमें सादा बेसन रखना होगा। तो सादे बेसन के लिए हम इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा, अजवाइन हाफ डालेंगे, हाफ हम बाद में डालेंगे, और कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और मिर्च भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। इसको पहले मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं। जी तो व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, ये सारे जो मसाले जो मैंने इसमें डाले थे ये सब मिक्स हो गया है, बेसन में यकजान हो चुका है, और जो हमें इसकी जो थिकनेस चाहिए वो देखिए इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी बेस इसमें आलू और जो पालक के हम पकोड़े बनाएंगे उसके लिए हमें इतनी थिकनेस चाहिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे कवर करके, जिससे आपके पकोड़े खस्ता और करारे बनेंगे। बेसन हमने घोल के रख दिया है। अब हम 4-way पकोड़े के लिए सबसे पहले हम काटने लगे हैं प्याज। प्याज को आप किसी भी वे में काट सकते हैं। अब हम काटने लगे हैं आलू। आलू सर्कल में गोल काट लेना है। जी तो आलू को हमने सर्कल में इस तरह से काट लिया, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करने से पहले, आप इसे ये ब्लैक ना हो इसलिए हम इसे थोड़े से ठंडे पानी में डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल के, और ये अपने आलू, ये आलू को हमने डाल दिया पानी में। जी तो अब हम बनाने लगे हैं 4-way पकौड़ा के लिए हम बंद गोभी। बंद गोभी को हमें क्रश करना है। गोभी को क्रश कर दीजिए, बारीक बारीक से हम इसको क्रश करेंगे। प्याज और बंद गोभी हमने चॉप कर ली है। अब हम ये पकौड़ों के लिए हरी मिर्च चॉप कर रहे हैं। 4 मैंने हरी मिर्च ली है। आधा घंटा हमारे बेसन को गोले हुए हो चुका है, और ये आलू फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने रख दिया है गरम पे। आलू के पकौड़े हमारे रेडी हैं, देखें लाइट सा कलर है, सब क्रिस्पी से भी है। हम डालने लगे हैं पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़े हमारे, पालक के पकौड़े भी हमारे रेडी हैं। तकरीबन अब इसको लाइट ब्राउन से करके काट देंगे। अब हम बनाने लगे हैं प्याज के पकौड़े हमारे। प्याज चली जाएगी इसमें, थोड़ा सा हमारे धनिया जो हमने हरी मिर्च चॉप की थी वो डालेंगे इसमें हम। हाँ, जो तो मसाला बचा हुआ था जो हमने बताया था आपको, कुटा हुआ धनिया और जीरा, साबित जीरा, ये भी लाल मिर्च है, रेड चिली, अजवाइन और ये कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम प्याज के पकौड़े फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप इसको थोड़ा सा फैला के डालेंगे, तो आपके पकौड़े प्याज के क्रिस्पी और मज़ेदार रहेंगे। इसके पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, देखिए देखते हैं मिर्चों के पकौड़ों की तरफ। सब मिर्चों के पकौड़ों के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, मैंने 4 टेबल स्पून इमली का पल्प ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इनको मिक्स कर लेंगे। फिर चुटकी भर इसमें हम नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
चलिए ये मिर्चे हैं उनको मैंने 20 से कट पका लिए हैं। अब इसमें मैं गेंदी का जो कलम है हमारा इसको हम फिल करेंगे। ये आपकी मर्जी पे है, आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस है आप कर सकते हैं जी। तो ये देखिए मिर्चों में हमने इमली की फिलिंग कर ली है। अब हम इसे बेसन में डिप करेंगे। बेसन में डिप करके फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। लाइन लगे लास्ट अपने बंद गोभी के पकौड़े जी। तो नाजी हमारे रमजान स्पेशल के मजेदार से पकौड़े रेडी हैं। पालक के पकौड़े, बंद गोभी के पकौड़े, आलू के, मिर्चों के और प्याज के पकौड़े। ये देखिए ये खस्ता से बिल्कुल बने हैं। आप इसी तरह से इसको फ्राई कीजिएगा फैला के जिसने मैंने आपको बताया है मजेदार से। और मेरी चटनियाँ जो है ग्रीन चटनी और कश्मीरी चटनी के साथ आप इसे रमजान में खाइएगा। एसके किचनरी पे जाके आप मेरी चटनियों की रेसिपी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो थम अप दीजिए, लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक बार फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।